नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, संविधान और कानून। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। सहारनपुर से खबर आ रही है, विगत 13 वर्षों से शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर नगर पंचायत में सेवा दे रहे एक लिपिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जनपद सहारनपुर के कस्बा अम्बेहटा पीर में नगर पंचायत में हाईकोर्ट का आदेश छुपा कर 13 साल तक नौकरी कर रहे लिपिक कारमुक्त होने के बाद भी नगर पंचायत में कार्य कर रहे हैं। कस्बे के ही समाजसेवी अब्दुल सत्तार ने जिला अधिकारी से शिकायत कर लिपिक देवेंद्र कुमार त्यागी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ राजन गुप्ता की खास रिपोर्ट। नगर पंचायत अम्बेहटा में देवेंद्र त्यागी नाम का लिपिक कार्य कर रहा था लगभग 13 वर्षों से। अपने तथ्य छिपाकर और हाईकोर्ट के स्टे खारिज होने के बावजूद भी वो जो है ना नौकरी कर रहा था वहाँ पे जो है, और उसने जो है ना लगातार जो है ना वेतन प्राप्त किया है, तथ्य छुपाकर कार्य कर रहा था। और वेतन हमने उसकी शिकायत समाधान दिवस में की थी नुकुर में, तो उसे कार्य मुक्त कर दिया गया था जो है ना। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी उससे जो है ना उसे वहीं कार्य करा रहे हैं, जबकि हम डीएम साहब के पास शिकायत करने आए थे कि वो जो उसने वेतन प्राप्त किया है धोखाधड़ी की है गवर्नमेंट के साथ, उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। जो कि वो स्टे के आधार पर नौकरी कर रहा था, वो 2009 में उसका स्टे खारिज हो चुका था, लेकिन फिर भी लगातार नौकरी करता आ रहा था और सरकार से वेतन प्राप्त कर रहा था जो है। तो वो लोग फिर अब भी वहीं पर जो नगर पंचायत के यो साहब है उनसे कार्य करा रहे हैं, जबकि वो धोखाधड़ी से बैठे हुए हैं वहाँ पे जो है ना, उनके खिलाफ रिकवरी का जो है ना मुकदमा होना चाहिए और वो लोग जो है ना 420 का मुकदमा होना चाहिए उन लोगों पे जो है ना। तो यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ से हम उन्हें डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र देने आए थे, उनसे मांग कर रहे थे हम, कहने लगे उनके खिलाफ मुकदमा क्या होना चाहिए 420 का। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।